राम राम। सावन के इस पवित्र महीने में हम रुद्राष्टक की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम सातवें श्लोक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में कल आपको रुद्राष्टक की अंतिम श्लोक और रुद्राष्टक श्लोक की पूरी सीरीज मिल जाएगी। हम आशा करते हैं कि हर श्लोक की वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी कोई भी परेशानी है, अगर किसी और चीज की आप वीडियो पूछना चाहते हैं या इस वीडियो या किसी और श्लोक की वीडियो से आपको कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी प्रश्न हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, जिससे कि हम और आगे बढ़ सकें। वैसे आप सभी के प्यार का ही ये परिणाम है कि 1100 सब्सक्राइबर हमारे को प्राप्त हुए हैं और इतना बड़ा, इतना अच्छा परिवार हमारा बन पाया है। आशा करते हैं आपका सहयोग इसी तरह आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न यावत, व और द, द आधा है, द के नीचे हलंत है, न पूरा है इसलिए अ की ध्वनि दी है। न यावत उमा नाथ पादार विंदम, पादार विंदम। न यावत उमा नाथ पादार विंदम, भज, ये जो ज के ऊपर है ये आधा न है, भजन तीह, भजन तीह लोके परे वा नराणाम। न तावत, व के साथ आधा त, न तावत सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीद प्रसीद प्रभो स, ये जो व के ऊपर है वो आधा र, सर्व भूताधि वासम। हम वापस देखते हैं एक बार इसको। न यावत उमानाथ पादारविंदम भजन्तीह लोके परे वा नराणाम, न तावत सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीद प्रभो सर्व भूताधि वासम। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। न यावत, जब तक, उमा माँ पार्वती का नाम है, नाथ पति स्वामी, जो पार्वती जी के पति हैं, पाद, पाद हम चरण को बोलते हैं और अरविंद कमल को बोलते हैं। यावत का अर्थ है जब तक, न का अर्थ है नहीं, जब तक नहीं पार्वती जी के पति भगवान शंकर का नाम है और चरण कमलों को भजनती है, भजते हैं जो पार्वती जी के चरण कमल, पार्वती जी के नाथ के चरण कमलों को नहीं भजते हैं, वे इस लोक में और परलोक में न ही सुख और शांति को प्राप्त करते हैं और न ही उनके ताप का नाश होता है। इसलिए सभी जीवों के भूतादिवासम, सभी के हृदय में वास करने वाले प्रभो प्रसन्न होइए। वापस एक बार और देख लेते हैं। जो पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते हैं, वे इस लोक में अर्थात इस धरती लोक पे और दूसरे लोक में ना ही सुख शांति को प्राप्त करते हैं और ना ही उनके ताप का नाश हो पाता है। इसीलिए सभी के हृदय में बसने वाले प्रभो प्रसन्न होइए।